गली, वो मेरा चला गया तो मैंने देखा कि साइन इन नहीं हो रहा बिल्कुल भी कहीं से भी दोनों फ़ोनों में से। फिर मैंने इससे इसके फ़ोन में भी लॉगिन करने का ट्राई करा डेस्कटॉप वर्जन में, उससे भी नहीं हुआ। लैपटॉप भी लेके आया उसमें भी नहीं हो रहा, मेरा सिर्फ मेन चैनल खुल रहा है, मेरा ब्लॉग वाला चैनल नहीं खुला। फिर मैंने धीरज भाई से बात करी जो सारे टेक्निकल चीज़ें संभालते हैं, इससे ही बोला मैंने कि भाई क्या सीन है मेरा खुल नहीं रहा। तो उन्होंने बोला कि भाई उनके उनके पास भी एक्सेस है, बोले कि किसी ने हैक कर लिया आपका अकाउंट। और अच्छा मेरे यकीन नहीं कर पाया कभी भाई, तुमने क्या कहा था कि 12 बजे निकल रहे हैं, 11:30 बजे निकल रहे हैं, डंडा दे रखा था वहाँ, खाना नहीं खा पा रहे हम। भाई मैं सो गया था यार, सो गया था, तो ये क्या एक्सप्लेनेशन है भाई? दाढ़ी कटवा ले जाना है, दाढ़ी धो रहे ले ना ही धो रहे भाई, राम राम जाना है, दाढ़ी कटवा दे रहे। क्यों कटवा दे तेरी दाढ़ी, साढ़े टाइम लगा तेरी दाढ़ी कटने में, मेरी दाढ़ी जब ही कट जाएगी। हाँ जी गुड मॉर्निंग भाई, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग भाई, उठ जाओ अंधो, सारे काले चश्मे पहन इन ब्लैक, गाना बंदा करो साढ़े गाना मत ना बोला भाई, समझ भाई। सारा सामान पैक कर लिया, सारी चीज पैक अपने निकल लिया। मनीष भाई की ब्याह में, मनीष भाई के ब्याह में गाना कॉपीराइट नहीं पढ़ना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। तो कोर्ट में छू मत दियो, कोर्ट बार आ, आ, कुछ मत करो भाई, अब जा रहे हैं भाई। फस भाई किन बंदों के साथ घूमता हूँ मैं यार, एक ही ट्रक है साले, तू हमारे साथ। ये कौन सा टाइम है, समझ नहीं आ रहा टाइम कौन सा ट्रक निकलने का। अपना बाल देख के बात करो भाई, बेटा बाल हो रहे कैडे, अरे सारे पहुंचने वाले पहाड़ पे है, यहाँ पहाड़ पे किसके कैडे हो रहे भाई, कमेंट कर दो, कमेंट कर दे भाई किसके कैडे हो रहे बाल। पीछे 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 भी ले आओ कैमरा, पीछे भी ले आओ, ले पीछे ही है करप्ट के, करप्ट के तो वैसे बेकार बाल। चल छोड़ो जो भी हो, हम भाई निकल चुके हैं अपने भगवान का नाम लेके, भगवान हमें सेफली पहुंचाना, और जय श्री राम, जय श्री राम भाई, जय श्री राम भाई। अर्चित नहीं बोलेगा भगवान का नाम किसी का भी, इतना हरामी है। आज शनिदेव महाराज का दिन नहीं है, आई समझ में। शाबाश, हम भी सबने माने, हम भाई निकल लिए ठीक है भाई, अब सीधा ब्याह में टक्कर लगेंगे, बीच में कहीं कुछ होएगा उल्टा सीधा तो तेनू दसांगे फिर। भाई जो सामने बस चल रही है ना, बहुत ज्यादा गलत तरीके से चल रही है भाई, ऐसे ऐसे चल रही थी अभी तो, भगवान कसम चल रही थी ना भाई, कट मारा इसने बहुत गलत, मैं मुझे लग रहा राजस्थान रोडवेज है, फिर देखा तो हरियाणा रोडवेज है, ऐसे कैसे चल रही है गलत हरियाणा रोडवेज बेचारी, ये तो अच्छी चलती थी। अच्छा चलो कोई नहीं, गंदा कैसे हो रहा, शीशा साफ कर लो जरा, वेट साफ करने का चक्कर भाई। बीच में रुके हैं एडिडास पर चाय पीन, अच्छा। और भाई साथ में देखो कौन सी गाड़ी है हमारे, ले पहचान के किसकी गाड़ी है, ये वहाँ से फ्राइज ले आएंगे, वहाँ से बर्गर किंग, अब इधर भी तो होगा कुछ, यहाँ भाई बर्गर इधर होगा, सेम जो चीज़ उधर है ना वो चीज़ इधर भी है। अच्छा तुम तो नहीं उधर, ले ले कोल्ड कॉफी मगा लो भाई, ये रे इसके धर दे भाई, अरे भाई पागल, अरे भाई यार नाइस शूज, बट ये कहां से लिया है आपने यार, ये भाई पागल हो गया, अरे ये रे वाइट तो खुद काले पैर रहा भाई, दुनिया ने कॉफी पी के आंख खुले, मैं तो कॉफी पी के नींद आ गई, नूजी कर रहा सो जाऊं गाड़ी में जाके, बट मेरा मन है कि मैं गाड़ी चलाऊं, अब तक मैं ही चला रहा था, आगे भी मैं ही चलाऊंगा, एक घंटे में पहुंच जाएंगे, अभी तो ये कुछ वो खा रहे हैं नॉन वेज चीजें भाई। एक गाड़ी निकल ली, वो उनकी गैल जा रहा है अर्चित, अर्चित गाड़ी चला रहा, अर्चित कहां है, अर्चित कहां है, यहीं पे है, उनका कैमरामैन बन गया थोड़ी देर के लिए। ओके चलो भाई अब अपना निकला, करे बात करता हूँ, ओके अंकल जी शाबाश, ला भाई अंकल जी बुलवाड नगर गाड़ी आ गया था एग्जिट, उसने उठा ले जरा, देख क्या कर रहे हैं, देख क्या कर रहे हैं, देख आइए, वाह वाह भाई ये क्या सिस्टम है भाई, अज्जू भाई का नया शौक गाइस, अज्जू भाई का नया शौक दिग्गा, तुम्हें दे देखो शाबाश शाबाश, नहीं तुर दी, चलो भाई कहाँ है वो अर्चित, भाई कोटपुतली पार कर लिया हमने, कोटपुतली कितनी देर रहेगा, तो पीछे नीम राणा भी होगा, और क्या क्या बचा, बैरोड भी कर लिया, अब तो 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर रह रहा भाई अपना, 27 मिनट्स टू गो, 20 मिनट में गाड़ी लगा दूंगा, मतलब मैं पीछे बस आ रही है बेटा, बहुत तेज बस आ रही है, ब्रेक नहीं है इसमें। सो गाइस राजस्थान इज लव, तुम्हें पता है हर किसी हर चौथे दिन हम राजस्थान पहुंच जाएंगे किसी न किसी बहाने से, आज मनीष भाई का ब्याह मतलब कल है, आज तो एंगेजमेंट है, फिर दोबारा आएंगे, प्यार देना मुझे उतने जितना हर बार देते हो भाई। ये कैसा रास्ता आ गया भाई, भाई ना यहाँ देख ले बंदर, बंदर आ गए और रो रो एकदम रो,
पेड़ों पे वो नहीं है भाई शाखाएं भाई रो जगह आ गई। ये कौन सी जगह कर रहा भाई मनीष भैया? कीकर वीकर खड़े हैं, कैक्टस वैक्टस आ जाएंगे हैं क्या? यह ज्यादा सस्ता आएगा ना सस्ता महंगा तो पता ना, पर ये तो रो आ गया रो। पानी ना हो आगे, पानी नहीं आगे, ये किसने कही है? कैक्टस है ना, कैक्टस आगे तो पानी ना आया, ये भी हो सकता है भाई। यहाँ पे तो टैंकर, पानी की टंकी रखी हो रही, टैंकर तो भरते होंगे यहाँ पे तो सिक रहे बंदे, मतलब यहाँ पे ठंड भी है। ओ शिट भाई, रात को राजस्थान में बहुत ठंड होती है भाई, नेटक भी नहीं आएंगे। ओ शिट, आजकल के आदमियों को चाहिए नेट, साले बेशर्मो, बिना नेट के जी लेकर आओ हैं। हमसे पहले तो आप पागल हो जाओगे। पागल है क्या भाई? कटारिया साला पागल हुआ पड़ा पहले से ही, अभी से ही भाई गाड़ी चला, गाड़ी चला ही रहा हूँ ढंग से। तुम बताओ क्या चला ही रहा है साढ़े आदमी खाऊ, आदमी के टच कर दिया था इसने, तभी तो नहीं देता मैं इसको गाड़ी। बेचारी रोड के बीच में रहती है यार, इनको उठा के ले जाए भाई गुड़गांव में, देखते हैं कोई। बीच में व्लॉग शुरू होने वाला, दे दे ओ तो पैसे लोग, व्लॉग शुरू होने वाला व्लॉग। अरे भाई कुछ बोलने दो, जिप्सी थी वो, दारू पी ली भाई। वाह कटा रहे, दारू पी का सिस्टम है क्या? मम्मी की कसम नहीं पी भाई, और ना मैं पीता, तुम पीते होगे। अरे दरुआ पीने के बाद ये कर रहा है, देख ले। अब तो भाई की भांति की एंजॉयमेंट ले रहे हैं, आगे जूते तो बढ़िया लग रहे हैं, कटा रहे हैं भाई। थैंक यू ब्रो। उरो रूम दिखा दो एक बार पब्लिक को जरा भाई, यो अपना रूम है और इस पे हम ऐसे लेटते हैं। आ जूते जूते, ये साला जब बेड मिल जाना ना इन धरती पे लौटने वालों को तो ऐसे ही करें। देख देख आ ये वाह भाई, ले हमारे रूम से बाहर निकल के ये वाला वो है व्यू सिस्टम, दीवार का पिलर का, और सामने प्रोग्राम है भाई। ये जा रही दारू की पेटी, देखो ये जा रही, ए मनी सर के लिए सच में लगेगा कि दारू भी रखी है, दारू पी के माँ बहन की गाड़ी बकरा सबको। अबे यार तुम कितना वो कर रहे हो, और एक्ट करो, और एक्ट करो, दारू तो पिए, कोई जहर थोड़ी पी लिया है। तेरी गुद्दी नाप दूंगा ये, ठीक है मेरे को बताना क्यों जा गला वो है। गुद्दी नाप, गुद्दी नाप, अरे गुद्दी छोड़ भाई यार, कुछ के तोड़ तेरे गुद्दी को। कोई ने पीली राजस्थानी दारू में बताऊं और समझ ना आ, और असली में गांजा तने मार रखा कोई शांत थोड़ा को कुछ भी रिएक्ट ना कर, मगा अर्जित करा, अर्जित करा, मगा अर्जित कमरे का मान जा रहा नाच बाबा के गाड़ी के टायर के नीचे काटा दबा भाई के फेरो पे ना वो चलवाना छोरे हरियाणा वाले का पुनीस भाई चलवाना भाई, वो अनाउंसमेंट हो रहा है एंकर कुछ कह रहा, देख ब्लॉग शुरू होगा, ब्लॉग शुरू होगा कि सबको सिल्वर प्ले अवार्ड मिलने वाला भाई। मैं एक बार रेडी हो लूं, रेडी हो लूं, यो अपना वॉशरूम है भाई, देखो बस इतना ही। यो भी है, देख मैं पेट लग चुका यार, तू क्या देख खड़ा हो भाई? भाई मैं कह रहा हूं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊंगा यार, हो यार ऊपर से वीडियो बनाओ यार। तो भाई वो तो रूल है ना भाई, द बॉयज वाला भाई यहाँ से दिख रहा है यार ऊपर, कहाँ से चढ़ोगे भाई? मैं देखूं तो सही साले, फिर तुम भी तो आपको ब्लैकमेल करने के लिए एक चीज तो होनी चाहिए। अरे बहुत इजी है भाई, यहाँ पैर रखा, यहाँ पकड़ कर ऐसे खींच लिया। अरे यूं बना लेना वीडियो, ये बनेगी खत्म करने। अब भाई क्यों तोड़ोगे जी ने, वरना खुद देखना हो तो ऐसे भाई, तुम ऐसे देख के करोगे क्या ये तो बताओ, तुम्हें मजा आ जाएगा वो सब देख के। भाई थोड़ा बाहर से एक खबर लेकर आया हूँ, अर्जित के लिए बहुत बुरी खबर है भाई, भाई दारू ना तेरे लिए यहाँ पे। पागल हो गया दारू पी के भाई। कोई ना भाई मैं आगे लो जरा। लो जी कैसे हो सर, अभी डाल ले अपना सामान अंदर, रेडी तो खुला नहीं है खुला। मैं पहले इसके अंदर व्हाइट शर्ट पहन रहा था, फिर मैंने ट्राई करके देखा ये भी बढ़िया लग रहा, ये अपना आउटफिट है, मैं सामने से करके दिखा भाई। ये हूँ मैं, ये मैंने ये और इससे मैचिंग मेरे जूते, और ये हमारे कटारे सेट बूढ़े वाला कोट के साथ, बूढ़ा रहा है फिल्म तो एक ही लग रही है, यो वाली भाई देख लो तुम, सब बड़े लग रहे हो भाई, चारों भाई सिस्टम। मैं सोच रहा हूं बेल्ट उतार दूं भाई, एक बटन खोल के चलेंगे, मैं सोच रहा हूं बेल्ट उतार दूं, उतार दो भाई, कुछ ही मत उतारो यार, इतना वो है ना डाइसी रहता अपने आप को लेके। चलो भाई, चलो भाई, चलो आओ लेट्स गो, टाइम टाइम टू, चलो जी मनीष भाई भाई परफॉर्मेंस देनी, बाहर जाके गाना गाना। ओ यस, ओ यस, आई एम रेडी। कौन सा गाना गाऊं? हल्के हल्के तो मारेंगे पालन पर। अर्चित कह रहा मुझे ज्यादा मत देखो प्यार हो जाएगा, मगर ज्यादा देख ले थूत पे थप्पड़ आएगा,
ज्यादा देख कछो चढ़ रहा तुझे मुझे गोरे चिट्टिया कुड़िया खराब कर दिया गाना ओ गोरे चिट्टे कुड़िया ब्राउन गड्डियां कालियां नी अरे हां हां आओ उधर अंदर अंदर चलो एलिस हां देख के नीचे क्या है नीचे धरती पे लाके जाके लग गए अच्छा लो भाई आ गए बंदे रेडी हो गए यार सबसे पहले मैं कह रहा हूं फोटो कितनी कैडी है सारे भाइयों की कितनी कैडी फोटो आई है भाई लो ये रहा प्रोग्राम भाई सारे भाई जम के बैठ गए ये अपने खाने पीने बैठ गए उधर होगी भाई भाई की सगाई उधर की साइड और ये ताऊ खड़े नाम था कौन और उधर भाई ऊपरली साइड की गर्ल्स खड़ी है और इधर भाई खाली करती बहुत तले सूप आ गया क्या है ये जिन डालने की सूप क्रीम भाई वैसे टेस्ट करना बिल्कुल क्या सूप है ये कैसा सूप बचाया जाता कप में सूप पिएंगे चलो अच्छा ओके यार सूप ही है भाई इसमें क्या क्या डालना भैया हमको कुछ नहीं मूवी डालना है एक एक और ले भाई गॉड ठीक है भाई भाई मेरा व्लॉग चैनल हैक हो गया पता नहीं कब तक रिकवर होगा मेन चैनल पे डालूंगा मैं व्लॉग स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ मैं ये वाली वीडियो के मनीष भाई की शादी में आ रखो व्लॉग चैनल जो है वो हैक हो गया उसको रिकवर करने का ट्राई कर रहा हूँ मेन चैनल पे देख रहे होगे तुम ये तो प्लीज़ साथ देना सपोर्ट करना यार बम पटाके सारे घने छुट रहे हैं सपोर्ट करना चैनल को सब्सक्राइब करना मेरी ऑडियंस है मेरे चैनल है इसलिए मैं इस पर डाल रहा हूँ नहीं तो मैं एल्गोरिदम ख़राब नहीं करता होप यू गाइस अंडरस्टैंड प्लीज़ साथ देना मेरे चीज में जिसने भी हैक कराया ना उसका भी करेंगे कुछ बहुत गलत बात है बहुत ज्यादा गलत बात ये हो गया मैं वो बता रहा हूँ कि चैनल हैक हो गया मेन चैनल पे आ रहा है वाला व्लॉग हां भाई और इतने पे भी सपोर्ट करना है वे तो भाई मेरी ऑडियंस है कौन सा भाई वो मर गए वे मर गए हां मैं कहा मेरी ऑडियंस है इस चैनल पे भी उस चैनल पे भी तो होप करता हूँ तुम लोग समझोगे यार इस चीज को जब तक ठीक नहीं हो जाता मेरा व्लॉग चैनल मेरे मेन वो व्लॉग चैनल ठीक नहीं हो जाता मेन चैनल पे व्लॉग 5-10 दिन देख लेना मतलब मैं व्लॉग रोक नहीं रहा कि एक हफ्ते का या फिर दो हफ्ते दस जब तक ठीक नहीं होता रेस्ट ले रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है मैं व्लॉग नहीं रोक रहा मेन चैनल पे आएंगे व्लॉग क्योंकि आप लोगों को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है आप लोगों को दिखाना रोज अपना कॉन्टेंट सो प्लीज अंडरस्टैंड करना और प्लीज सपोर्ट करना हमारे साथ हमारे अज्जू 0008 की शादी होने वाली है गाइस बहुत जल्दी कल है कल परसों है परसों और उसके बाद मेरी फिर कटारे की कमी रहा है मैं कह रहा हूँ भाई बहुत बहुत मुबारक आपको थैंक्स मैन थैंक यू भाई भाई भाभी कहाँ है हमारी आज अभी भाभी मेरी वेट करवा रही है सुबह 11 बजे निकलने की कह रहा था लंबा और भाई साहब ये कमरा कहाँ है सुबह 11 बजे निकलने की कह रहा था लेट हो गए भाई 12 था लेट तो आई पता है मेरा चैनल हैक हो गया हमारी तरफ से आप पी जाओ इसको भाई कॉफी है अपने घने मजे लेने आ रहे हैं बताऊ गरीब लोगों के मजे ले रहा यार और उधर की साइड ये बोल रहा है कि गर्ल्स को लग रहा है कि मैं उनकी वीडियो बना रहा हूँ जो बिल्कुल सही लग रहा है शुक्र मानो नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ और कैसी वीडियो ड्रोन वाली नहीं बना रहा और ड्रोन भी है कम पे ड्रोन भी ले गया मेरे में लाया हूँ ना ड्रोन में जो ऐसे उड़ा उड़ जाएगा यार ये बंदे गवार है यार इससे गवार बंदा मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है इसके अलावा कोई गवार नहीं मेरे पे कटारी तो माँ गवार है कहाँ है बग्गा कटारिया कटारी तो कबाड़ी वाले कबाड़ मांगने बग्गा चोरी ना हो कबाड़ी है साढ़े मैं कह रहा हूँ ये तो देख लो ब्लॉगर्स दिखाऊं ऐसी ऐसी ब्लॉगिंग पीछे है देख देखो देखो कंटेंट ढूंढते हुए देखो अन्नी शर्मा आज आज हमारा एक और भाई आना था यहाँ पे बट वो प्रेजेंट नहीं हो पाया स्वैगर शर्मा उसका खूब वेट करा मैंने और भाई भी नहीं आ पाए मतलब कहीं हमें क्या कहे और एक भाई हमारे अवनी श्रीलर वो भी नहीं आ पाया कोई बात नहीं आएगा वो भी तेरे पे अटैक तो सिर्फ गर्ल्स करेंगी ये वीडियो बना रहा नेट पे डालेगा चुपके से दिखाओ नेट पे डाल दो दोनों की वीडियो भाई हमारी भाभी जी एरी मनीष भाई ये रे एरी हमारी भाभी सबसे बड़ी भाभी तो तुम हो ना देख लेंगे क्या बात बोली है मार रहे और कितना मारू इसे जिंदगी ने मार रखा इसे
भाई हम तो यहाँ सीख रहे हैं भाई, अलग से खड़े हो गए अन्नी भाई। ठीक हो भाई तुम? पक्की बात है, खुश हो? मैरिड लाइफ ठीक है तुम्हारी? बढ़िया भाई, एक नंबर। पक्की बात, हम भी कर ले फिर जल्दी जल्दी। पक्की बात, आओ जल्दी, मजाक सेट के, मजाक सेट के। ठीक है, एक महीने बाद बात करेंगे। एक महीना हो गया, एक दो साल बाद बात करेंगे, तब पूछूंगा सेम चीज। तब तो जो भाई से पूछना पड़ेगा। क्यों पूछा मत? मैं तो खुश हूँ भाई जी। आप पंडित जी हो हमारे भाई जी, बताएं कैसी जिंदगी रहती है? सही बताए शादी के बाद आप मतलब वो वचन दुआते ना? क्या क्या वचन दुआते? वचन पूरे करते हैं लेडीज ना करे भाई? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। ले भाई बता, चाचा जी आ रखे हैं यहां पे। चाचा की नहीं कर रही, इसलिए चाचा कह रहे हैं कि नहीं कर रही। आप बताओ, आपका आपकी शादी होगी? आपकी शादी होगी? खुश हो आप? बिल्कुल। कैसे खुश हो? खुश हूं हर प्रकार। मतलब कैसे हर प्रकार? हर प्रकार से परेशान, बड़ी बोतल में बंद कर रहा है। हर प्रकार से गुस्सा है, बोतल में बंद कर रखे बाबू भाई। यारी दोबारा दिखा दो, यारी भाभी बोतल बंद कर जो देख रहे हो। हाँ भाई बोतल बंद करके बोला। और भाई भाभी दोस्त वो आ रहे हैं। ये देखो आंटी कितनी अच्छी लगी हमारी, मनीष की मम्मी जी हमारी आंटी जी, देखो कितनी अच्छी लग रही है। भाई तो खुश है, सुन रहा तू? देख लो ना इनकी गुफ्तगु। Somehow I got late, but now I. कुछ भी ही तो मेरा अपना। पहना दी क्या गुटी? पहना दी गुटी, पहना दी। अरे मैं लेट हो गया यार। बस दोबारा पहना दो भाई। भाई जल्दी आना था, जल्दी आना। छोड़ एक काम कर जितने भी लेट भाई। मैं लेट हो गया यार, बंदे हमारे बंदे नहीं खड़े इधर कोई। लेट हो गया यार मैं। सिंगल मूवमेंट दियो भाई। भाई मैं अभी आया हूँ यार, एक बार दोबारा फहरा दे भाई। भाई दोबारा फहरा दे यार, ऐसे ही फहरा दे, ऐसे ही यो वाली फहरा दे, कोई भी झूठल फहरा दे प्लीज भाई। अबे भाई लेट हो गया, अब क्या करूँ मैं? तेरी सच्चे में गलती इस्तेमाल हुआ है रे भाई। ये क्या हो गया? ऐसे बनाई है, ऐसे बनाई है। यहाँ आ जा भाई। पटियाला क्या हो रहा है ये सब? ये भाई इतना बड़ा कैसे हो गया हमारा? एकदम से शादी ब्याह हो गया इसका, इसकी शक्तियों का सही इस्तेमाल हो गया। वेरी नाइस भाई। हमारे साथ है हमारे जतिन भाई। क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया भाई जी। आपकी शादी कब है? मेरी शादी भाई 4 साल बाद, आपके होने के बाद। मेरे होने के 4 साल? तेरी होने के 4 साल बाद। मतलब तुम 38 साल के होकर शादी करोगे? हाँ भाई 44 का भाई। 44 का होगा इसकी? इसकी हो जाएगी कब? अगले साल? नहीं 31 ईयर ओल्ड होके 6 साल बाद। तो ये 34 साल का हो जाएगा अगले साल। 6 साल में? 6 साल में हो जाएगा? नहीं मतलब 9 साल में। देख देख देख, इसने आज सच बोल दिया, 30 साल का हो लिया। आई एम 25 जी। हाँ 25 भाई, 25 है भाई, 24 है। 26 का तो पंडा। एक साल छोटा हूँ ना मैं? मेरे से नहीं भाई। यार एक साल बड़े हो तुम। पहले भाई तू एक साल छोटा है और मैं कहता दूर रह। एक साल भाई, मेरा भाई भी आया ब्लॉग में भाई। गाड़ा मेरा भाई खाली बड़ा भी घुस जाएंगे सारे छोरे हरियाणे वाले गाड़ते के लट गिल्ला गाड़ी घड़ी छोरी बैठी गैर मारा घट पिक बैठे घर पिक खुले खुले सारे शहर फिट पिता गाड़ देंगे पावे फनी लगेगा वहाँ भाई। इस पे बैठेंगे यार, इस पे बैठ ना सके हम। पाया टूट रहा है पर हाँ यार इसका तो पाया मुड़ रहा है तो गिर जाएंगे साढ़े हम पहले जाम लगा देंगे। बैठेंगे लो भाई बैठ के। पाया सीधा कर ले तेरा स्टाइल में। अबे खड़ा खड़ा हो पाया सीधा कर। अबे खड़ा हो पाया सीधा, नू सोचेंगे तोड़ दिया हमने। क्या देखो ना सेडी को। और भाई पाया तो वैसे ही टेढ़ा हट जाए। अरे भाई सबसे बड़ा नशेड़ी अर्चित है, पहले तो ये बता दो इसका पाया। भाई हम देख लो, पहले बता रहा टेढ़ा। ओ गाइस आओ भाई, यू देखते हैं एल्विस यहां आ जा बैठ, यू देखेंगे कितना बोझ सहन कर सकता है। बैठो भाई लैप तो पैर बैठ गए भाई, दूल्हे की जगह बैठ गए हम। अबे आप पागल है? अबे ऐसे मत करो भाई, पर टूट जाएगा सोफा भाई, क्यों साढ़े किसी का नुकसान करो यार। भाई देखो अब हम थोड़ा हंस रहे मुस्कुरा रहे बट आप सभी लोगों को मैं अब जेन्युइन बात बताता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ। और
क्या नहीं होना चाहिए था पूरा प्रॉपर बता दूँ स्टार्टिंग से। पहले बार मुझे बैठ जाना ढंग से यार, मेरे को ना उदास हो गया था, इन्होंने ठीक करा मेरे को। हाँ भाई, भाई ने कह रहा कोई बात नहीं, छोटी मोटी बीटी चलती रहा। फिर मैंने अपने धीरज भाई को फोन करा, मैनेजर भाई को, कि भाई ऐसे ऐसे सीन हो गया, कहते चलो मैं कुछ कर रहा हूँ। देखो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की कि टेक्निकल चीज़ें कैसे हैंडल करते हैं, मतलब मेरे को सिर्फ वीडियो डालनी आती है, उसमें वो भरना आता, कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, सिर्फ वीडियो मेरे को शूट करनी आती है, बोलना आता है, उसके अलावा मेरे को वैसा कुछ नहीं आता कि भाई अगर चैनल में कुछ ख़राब हो जाए या फिर कोई कुछ भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ जाए, टेक्निकल मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मेरे से ज़्यादा कटारे को ये सारी चीज़ें पता है। तो बात ऐसे हुई, मैंने YouTube मतलब जैसे मैं खोलता हूँ, हम लोग क्या करते हैं रोज़ वीडियो बनाते हैं अपने डेली, उसको रात को अपलोड करते हैं और वो सुबह 12 बजे का शेड्यूल कर देते हैं जिससे वो वीडियो आ जाती है, मेरे को इतना करना आता है। तो भाई सीन क्या हुआ, मैं YouTube खोला मैंने नॉर्मली चेक करने के लिए कि मेरे कल वाले ब्लॉग पर क्या रिस्पॉन्स आया जो मेरा कल डाला था। तो जैसे YouTube खुला नहीं, मैंने देखा मैंने खुल नहीं रहा, मुझे लगा नहीं पता साइन आउट हो गया होगा। मैं दो फ़ोन रखता हूँ, दूसरे फ़ोन में मैंने ट्राई करा, उसमें भी नहीं खुल रहा था। उसके फिर क्या सीन हुआ कि इसने हमसे हॉटस्पॉट मांगा, कह रहा भाई मेरा नेट नहीं चल रहा होगा, एक बार हॉटस्पॉट देना। तो मैंने कहा लो भाई, तो हॉटस्पॉट दिया, तो फिर इसने वो दिखाया, कह रहा देखो क्या नोटिफिकेशन आ रही है भाई। फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये हो नहीं थोड़ी सकता, क्योंकि मैं इसको बताया नहीं था उस टाइम तक कि क्या सीन है, इसका फ़ोन मेरे पास था। फिर मैंने इसका मेल बिल खोल के देखा, सीन क्या है भाई, फिर तुम ही बताओ यार। मैं तो भाई मेरा ऐसे होता ना कि किसी लिंक पर क्लिक कर देता है, वो भी कोई सीन नहीं हुआ। और ऐसे होता ना कोई हैकर जो होते हैं, रशियन हैकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं आपका चैनल हैक करके ना अपनी एड्स चलाते हैं, तो वो भी नहीं हो रखा। मेरा मेल हैक हो गया, मतलब किसी बंदे ने प्रॉपर, जो मतलब हमारे जैसा तुम्हारे जैसा कोई आदमी, उसने प्रॉपर मेरा मेल हैक करा है, पता नहीं कैसे है भाई, मेरे को ये सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है। मेरा मेल हैक करा और उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल उसी से कनेक्ट होता है, जो जीमेल होता है ना उसी से कनेक्ट होता है अपना यूट्यूब चैनल, वही होता है अपना चैनल, मतलब बेसिकली वो मेरा चला गया। तो मैंने देखा कि साइन इन नहीं हो रहा बिल्कुल भी कहीं से भी दोनों फ़ोनों में से। फिर मैंने इससे इसके फ़ोन में भी लॉगिन करने का ट्राई करा डेस्कटॉप वर्जन में, उससे भी नहीं हुआ। लैपटॉप भी लेके आया, उसमें भी नहीं हो रहा। मेरा सिर्फ मेन चैनल खुल रहा है, मेरा व्लॉग वाला चैनल नहीं खुला। फिर मैंने धीरज भाई से बात करी जो सारे टेक्निकल चीज़ें संभालते हैं, इससे ही बोला मैंने कि भाई क्या सीन है, मेरा खुल नहीं रहा। तो उन्होंने बोला कि भाई उनके पास भी एक्सेस है, बोले कि किसी ने हैक कर लिया आपका अकाउंट और इसका भी हम रिकवर करने का ट्राई कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछी, मैंने कि भाई फिर मैं व्लॉग कहाँ पर डालूंगा, जैसे मैं रोज़ व्लॉग करता हूँ, मेरे को 400 प्लस दिन हो गए, 400 दिन, एक साल हो गया था मेरे को नवंबर 7 में, और अभी जनवरी कितना कौन सा चल रहा है, 20 जो भी 18-19 जो भी चल रहा है, 400 दिन से भी ज़्यादा हो गए मेरे को मेरे हिसाब से। तो मैंने बोला भाई मैं तो रोज़ व्लॉग बनाता हूँ, मेरी पब्लिक देखती है, वो कहाँ पे देखेगी अब। तो तब उन्होंने बोला भाई मेन चैनल पर डाल लो, मैंने कहा यार मेन चैनल पर मैं वैसी वीडियोज़ डालता हूँ जो लॉन्ग प्लेटफॉर्म के, मेरा कुछ एल्गोरिदम ख़राब हो जाएगा, मतलब जो भी सीन होता है चैनल का। उन्होंने बोला नहीं भाई आपकी पब्लिक है, आपको वहाँ भी देखती है, आपको यहाँ भी देखती है, तो देख लो ट्राई करके, पब्लिक समझ जाएगी, मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग पब्लिक है मेरी, वो समझ जाएंगे एलविश भाई के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है तो यहाँ की जगह वहाँ पे व्लॉग आ रहे हैं, नहीं तो मेरा व्लॉगिंग का अलग ही चैनल है, आप लोगों को पता है, और उस पर मैं सिर्फ वीडियो डालता हूँ महीने में एक या दो। तो भाई इसलिए ये वाला व्लॉग हमारा मेन चैनल पर आ रहा है, मतलब और अब मेरे को नहीं पता कितने दिन आएगा मेरा, तो मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ ना 5 से 10 दिन के बीच में भगवान की दया से। बाकी नीचे तुम लोग भी ट्वीट करना, हम भी ट्वीट करेंगे, ट्वीट करेंगे भाई कि मेरा चैनल लैक हो गया। 5 से 10 दिन का प्रोसेस है गाइस, 5 से 10 दिन लगेंगे मैक्स, और भगवान की दया से आ जाएगा वापस। मेरा भाई वैसा होगा कि होपलेस सा होगा, भाई ये तो आ नहीं रहा था, हम ही खींच के लाया, मगर आए हैं भाई की शादी है तो ऐसा अच्छा ही लगता है ना ब्रो। तो मैं होगा होपलेस, मैं कहा यार ये चैनल कहाँ चला गया मेरा, मतलब यार मैं एक बात बताऊँ, मैं जो चैनल बनता है ना और एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है भाई, वो मेहनत से बढ़ता है। मेरे को काफ़ी साल हो गए यूट्यूब इंडस्ट्री में, और एकदम से जो बनी बनाई मेहनत वो गायब हो जाती है ना, तो बहुत बुरा लगता है। मतलब ऐसा हो जाए कि भाई एक दिन के लिए मिल रहा आपको चैनल, दो दिन के लिए नहीं मिल रहा, वो तो चलो कोई बात नहीं, बट ऐसा नहीं कि भाई आपका चैनल जो इतनी मेहनत से आपने बना रखा था, 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर भाई बहुत होते हैं, बहुत जितने यूट्यूबर भाई देख रहे होंगे आपको पता होगा कि 1 लाख सब्सक्राइबर करने में भी कितनी मेहनत लगती है, 2 लाख में भी, और उसके बाद जितने बढ़ते रहते हैं कितनी मेहनत लगती है, और वो एकदम से सारी चीज़ गायब हो जाती है ना जब, तो वैसा लगता है कि भाई ये क्या हो गया यार, कहाँ गई हमारी मेहनत जो इतने सालों की हमने करी थी। तो उस चीज़ का मुझे काफ़ी बुरा सा लग रहा था इस टाइम, उस इसलिए मैं सोच रहा मैंने कि यार शादी इन्जॉय नहीं कर पा रहा मैं, थोड़ा दिमाग में रहती है ना चीज़ें भाई, नुकसान मैं सच में मॉनिटरी नुकसान भी है और पूरे चैनल का नुकसान है, अपना जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है दिमाग में कि भाई हमने कुछ मेहनत से चीज़ क्रिएट कर रखी थी वो चली गई, उसका भी नुकसान है। अब भाई ट्राई कर रहे हैं, अब मैं इसका सोल्यूशन ये है कि इसका हम ट्राई कर रहे हैं कि कितने टाइम में वापस आ जाएगा, होप करता हूँ भाई। बाकी भाई मेन हमें पता नहीं अब कितना टाइम मिलेगा, तो हम तो यही चाह रहे हैं कि इस वाले चैनल पे आप जैसे जैसे सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे हमें भी नहीं पता कि हम इस पे ही व्लॉग्स कंटिन्यू करेंगे उस पे भी, पर ट्राई तो यही है कि वही वाला रिकवर हो जाए।
तो इसको भी सब्सक्राइब कर देना है और उसके लिए ट्वीट वगैरह कर देना, स्टोरी वगैरह यूट्यूब इंडिया वगैरह को टैप करके डाल दो। मेरे जो पुराने व्लॉग्स है वो भी जिस बंदे ने हैक करा भाई वो भी डिलीट कर रहा है धीरे धीरे करके, मतलब व्लॉग तो डिलीट भी कर दिए भाई, दो व्लॉग डिलीट कर दिए उसने मेरा भी। मैं चेक नहीं करा मैंने, मतलब कि चैनल खोल के यूट्यूब पे जाके चेक करना पड़ रहा है मेरे को बार बार कि कितने व्लॉग, पता नहीं लग पा रहा क्योंकि बहुत सारे व्लॉग्स हैं, एक एक करके याद भी नहीं रहता कि कब कौन सा व्लॉग डाला, तो वो धीरे धीरे करके चेक कर रहे हैं, एक दिन दो दिन तीन दिन ऐसे करके गायब हो रहे हैं यार मेरे व्लॉग्स। तो आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है मेरी, ट्वीट करो यार प्लीज़ जाके मेरे व्लॉग चैनल के लिए, यूट्यूब इंडिया को मैसेज करो कि भाई मेरा चैनल वापस करो यार, या मतलब कि कुछ प्रोसेस करके। बाकी हम भी अपनी तरफ से लगे हुए हैं और थोड़ा सपोर्ट चाहिए इस वाले चैनल के लिए भी कि आप लोग सब्सक्राइब करो और व्लॉग्स यार देखना मत छोड़ना, कभी तुम्हें लगे कि वो भाई भाग गया कहीं पे, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अपने दिल से थोड़ा दुख कम करते हैं और भाई की एंगेजमेंट भी ख़त्म हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब इस वाले चैनल पे भी कह रहा हूँ, लव यू गाइस, लव यू, बाकी सपोर्ट बनाए रखना हमेशा। बाकी ऊपर वाला देगा चैनल वापस। हाँ बाकी सारी चीज मैं ये चीज मैं ये चीज सोचता हूँ भाई, जो होता है सब वही देख रहा है ब्रो, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो भगवान ने कुछ सोच समझ के मेरे से चैनल लिया होगा या फिर देंगे वापस, कुछ करके ही देंगे जो भी है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई और बस इतना ही है।